मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असद अली तूर की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस एसोसिएशन ने दरख्वास्त जमा की थी और इस चीज़ को चैलेंज किया कि असद अली तूर की गिरफ्तारी एक गैरकानूनी गिरफ्तारी हो गई थी। और इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर DGFIA को तलब किया था और आज ही इस केस की समाअत होनी थी जो अंदर चल रही थी 1-2 बजे तक। और फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया DGFIA से कि इनको इनकी गिरफ्तारी क्यों हो गई थी और क्या रिपोर्ट है उनके पास। और जो रिपोर्ट पेश की गई थी DGFIA की तरफ से, इस रिपोर्ट को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही कि इसमें जो दफात शामिल हैं इस रिपोर्ट में, ये दफात गलत हैं और टाइम दी गई है कि नेक्स्ट तक ये पूरे कंप्लीट रिपोर्ट के साथ पेश की जाए और ये सारे सबूत सारे मौजूद होने चाहिए कि जिनकी जो गिरफ्तारी बन सकती है या नहीं बन सकती। और दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी सवाल उठाया कि जो GIT बनी थी, जो GIT की तशकील देनी थी असद अली तूर की केस के मामले में, इस GIT में ISI या MI के मेंबर्स को इंक्लूड किया गया और ये क्यों इंक्लूड किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाया कि उनकी इसमें कोई रूल नहीं बनता है कि वो अपना रूल अदा करें और इस GIT को तश्कील दे। और इन सारी चीज़ों को देखकर फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को अगले 2 हफ्ते के लिए मुलतवी किया है, यानी कि 2 हफ्ते बाद ही इसकी दोबारा समाअत होगी और फाइनली कोई कंक्लूजन आएगा। जी,